हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ न्यूज। दोस्तों, जियो यूजर्स के लिए काफी अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी तक आपको मिलता था जियो फोन 1 या आपको मिलता था जियो फोन 2, और दोनों ही जो ये फोन थे वो एक फीचर फोन थे, लेकिन इनमें जो फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे थे वो लगभग स्मार्टफोन जैसे फीचर प्रोवाइड किए जा रहे थे, लेकिन ये स्मार्टफोन नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर जियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है जियो स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, जियो फोन 3 जो यहाँ पर आने वाला है वो जियो की तरफ से एक स्मार्टफोन होगा, जो कि एक टच स्क्रीन वाला है। जिस तरह से आप अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं उस तरह से यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। अब आपको कीपैड वाला जो है यहाँ पर फीचर फोन जियो की तरफ से नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या कुछ यहाँ पर फीचर्स हो सकते हैं जियो फोन 3 के, और कैसे यहाँ पर अब कन्फर्म न्यूज आ रही है, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन जुगाड़ न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा है, प्लीज उस पर क्लिक कीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बात करते हैं जियो की नई न्यूज के बारे में, जो कि यहां पर आ रही जियो फोन 3 को लेकर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जियो फोन 1 और जियो फोन 2 दोनों ही यहां पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, और जियो फोन 1 काफी ज्यादा पॉपुलर यहां पर बना, और ये जो है सबसे ज्यादा बिकने वाला फीचर फोन बन गया। और इस फीचर फोन में जो प्रोसेसर यूज होता था वो स्पेक्ट्रम का एक प्रोसेसर यूज होता था, तो इसी के कारण जो स्पेक्ट्रम को इंडियन मोबाइल मार्केट है उस पर करीबन जो है 40% मार्केट शेयर पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो यहां पर स्पेक्ट्रम को काफी अच्छा यहां पर रेवेन्यू हो रहा है, काफी अच्छा बेनिफिट हो रहा है जियो फोन के कारण। तो इसलिए अब स्पेक्ट्रम चाह रहा है कि अभी तक तो वो यहाँ पर फीचर फोन लेकर आ रहे थे, यानी कि फीचर फोन का जो प्राइस था वो कुछ कम था, यानी कि 1500 रुपए के आसपास आपको जियो फोन 1 मिल रहा है, और अभी तो आपको जो यहाँ पर जियो फोन मॉनसून हंगामा ऑफर जो चल रहा है उसमें करीबन आपको 1100 रुपए के आसपास ही मिल जाएगा। लेकिन वहां पर जो रिवेन्यू हो रहा है स्पेक्ट्रम को वो काफी कम हो रहा है, तो इसलिए अब स्पेक्ट्रम जो है अपने रिवेन्यू को जो है इंक्रीज करना चाहता है, और वो यहां पर लेकर आना चाहता है एक स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, जियो के लिए वो स्मार्टफोन यहां पर बनाना चाहता है, और उसके लिए वो बात कर रहा है, यानी कि जियो और जो स्पेक्ट्रम है वो दोनों यहां पर बात कर रहे हैं माइक्रोमैक्स और लावा के साथ में, कि वो एक सस्ता स्मार्टफोन यहां पर लॉन्च करे, और इस सस्ते स्मार्टफोन में जो यहां पर प्रोसेसर यूज किया जाएगा वो स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम 9863 प्रोसेसर यूज किया जाएगा, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है यहां पर स्पेक्ट्रम की तरफ से। यानी कि जो जियो फोन 3 अब आएगा वो आपको एक टच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, ना कि आपको कीपैड वाला जो है फीचर फोन देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस फोन के प्राइस की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस फोन का जो प्राइस होगा वो करीबन 6000 रुपए के आसपास रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर 6000 रुपए के आसपास जियो एक ऐसा फोन लेकर आता है जिसमें आपको स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर मिलता है, तो वहां पर आपके पास काफी ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल हो जाती है, जैसे रियलमी हुआ या शाओमी हुआ, और फिलहाल जो है असूस की तरफ से भी दो नए स्मार्टफोन यहां पर लॉन्च कर दिए गए, जो कि आपको काफी कम प्राइस में यहां पर काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस देते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां पर जो जियो की तरफ से जियो फोन 3 आएगा उसका जो प्राइस होगा वो करीबन 4000 रुपए के आसपास ही होगा, क्योंकि अगर आप 5000 या 6000 रुपए के आसपास चले जाते हैं तो वहां पर लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये कुछ यहां पर न्यूज निकल कर आई थी जियो की तरफ से कि जल्दी यहां पर स्पेक्ट्रम और जियो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए जियो का स्मार्टफोन, जो कि होगा जियो फोन 3। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप अभी हमारे चैनल इंडियन जुगाड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।